ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जीवन में बहुत बड़ा दुख हो, बहुत बड़ा रोग हो, या दुश्मन का भय हो, दुश्मन आपका पीछा कर रहा हो, तो शंकर भगवान की अर्चना आज से ही आरंभ कर दीजिए। आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। एक चम्मच गंगा जल महादेव पर रोज चढ़ाओ, गंगाधर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। 6 महीने में तो आप शिव बन जाओगे। शिवपुराण में बड़ी अद्भुत बात कही गई है कि धरती का ऐसा कोई दुख नहीं जो शिव की अभिषेक से, महादेव की पूजा से कट न जाते हो। शिवपुराण कहती है कि यदि किसी बच्चे का नाम अभिषेक है तो कितना बड़भागी है जिसका नाम हर एक शिव भक्त की जुबान पर रहता है, हर एक कथावाचक की जुबान पर रहता है। वो व्यासपीठ से कितनी बार बोलते रहते हैं, महादेव का अभिषेक करने से ये होता है, वो होता है। तो नाम भी ऐसे रखे अपने बच्चों का जिसमें बोलने से भगवान का नाम आता हो। शिवपुराण में वर्णन किया गया है जो शिव की पूजा करता है उसे धरती पर उसको सब कुछ मिलता है, संपूर्ण सुख उसे प्राप्त होता है और मरने के बाद उसे मोक्ष मिल जाता है। जो शिव की पूजा करता है अंत में उसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, भले ही वो किसी अन्य रूप में आए। शिव की पूजा का इतना बड़ा महत्व। रावण जैसा कोई बदमाश नहीं इतनी गलतियां करने के बाद भी फिर भी मरते समय राम जी उसकी आंखों के आगे खड़े होते हैं, क्योंकि वो शंकर का पुजारी रहा है। इसलिए भगवान की पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। जब आप आग पर हाथ लगाते हो तो हाथ जल जाता है, ठीक वैसे देवताओं की पूजा करने से ऐसे ही पाप जलकर खाक हो जाता है। मुझे बेटियां बहुत सुनती हैं तो शास्त्र उनके लिए भी वर्णन करता है कि उनके अच्छे घर के लिए, अच्छे वर के लिए गणेश जी की पूजा, उमापति महादेव की पूजा, अंबे माँ की पूजा, नंदनंदन कन्हैया की पूजा, ये वरदान है मृत्यु लोक में बेटियों के लिए। बेटियों की जब आप शादी करते हैं तो उनकी गोद में राधा कृष्ण दीजिए, उन्हें लड्डू गोपाल दीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल से गोद भरी जाती है। जो भी व्यक्ति बहु बेटी की गोद में लड्डू गोपाल देखा जाता है, परमात्मा उसकी गोद में संतान नहीं बल्कि अद्भुत संतान को जन्म दे देते हैं। हर हर महादेव।